कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे एक कार चल रही है, काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और आर की वैल्यू जो है वो 100 मीटर है, 100 मीटर दैट इज द आर, ठीक है ना, ये आर है जो कि 100 मीटर है, दिस इज द आर दैट इज द 100 मीटर, और 6.2 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, और ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम यहाँ से ए से चलने में दोबारा ए पर आने में जो टाइम है वो 62.8 सेकेंड है। कहता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आप सबको पता है कि अगर पार्टिकल सर्कल पे चलता है या किसी भी दुनिया में कहीं भी जाता है, अगर वहीं आ जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, मतलब ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है, और ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है, और ये भी कभी सही नहीं हो सकता यार, क्योंकि पार्टिकल मोशन स्टार्ट करके जब वहीं आ जाता है तो एवरेज स्पीड कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी ज़ीरो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो लॉजिकली तो यही है, पर मैथमेटिकली भी कर सकते हो। अब जो मैथमेटिकली करेंगे उनको कैलकुलेशन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना ट्रेवल करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड, स्पीड जो है एवरेज स्पीड, रेडियस इतना है, टाइम इतना लिया, तो हमें स्पीड, हाँ स्पीड, डिस्टेंस 2πr और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड टी, और यह आ जाएगा कैपिटल टी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्ट, हमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड पूछा है, तो एक मिनट, तो हमें स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एवरेज स्पीड भी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो जब ये यहाँ से पूरा जब कवर करेगा पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा, 2πr, और उसको जो टाइम लगेगा वो दिया हुआ, तो 2 और पाई 3.14, और आर की वैल्यू 100 मीटर और टाइम की वैल्यू 62.8। अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, और आएगा यही, तो लॉजिकली ज़्यादा सही था।